हेलो दोस्तों, नमस्कार। और वापस से एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आया हूं हरिद्वार में, और हरिद्वार का ये ऋषिकेश वाला हाईवे है। और आज है 17 जून 2022। मौसम ये है, बारिश हो रही है, काले काले बादल हैं चारों तरफ। और अभी जो है 7:30 का टाइम हुआ है, और हम लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर पंचकुला भवन। ये पंचकुला भवन जो है धर्मशाला है, बिल्कुल हाईवे के साथ में है, और बहुत ही सुंदर धर्मशाला है। ये कहने को तो धर्मशाला है, पर किसी होटल से कम नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह। इसमें आप लोग आसानी से जो है स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है पार्किंग है, यहाँ पे बहुत सुंदर सी अवेलेबल है यहाँ पे पार्किंग का एरिया। और ये शानदार बिल्डिंग इसकी बनी हुई है पंचकुला भवन की। बहुत ही सुंदर ये बनी हुई है, हाइजीनिक, साफ सुथरी। और आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। ये पंचकुला भवन की नियमावली है, इसमें ये नियम है ठहरने के लिए, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और ये रिसेप्शन का एरिया है यहाँ पर, बहुत ही शानदार हुए हैं। और सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ये लिफ्ट है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिफ्ट बनी हुई है। और ये है गैलरी है, यहाँ पर लगभग 40 रूम अवेलेबल हैं। और सामने एक किचन है, किचन का मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। इतना शानदार यहाँ का खाना है कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। हाँ, ये थाली है पंचकुला भवन हरिद्वार, बिल्कुल बहुत ही मस्त है। मतलब रायता हो जैसा दिख रहा है ना, उससे भी बढ़िया। उड़द चने की दाल, वाह। और ये है जी मिक्स वेज, बाय गॉड, वाकई बहुत शानदार। बड़ी शानदार है वाकई, है ना, खाना तो बहुत बढ़िया। जितनी दिन तारीफ की जाए उतना कम है। पंचकुला भवन की कैंटीन है, और इसका जो दाम भी है ना, वो भी सुन के ना सरप्राइज रह जाएंगे। 100 रुपये की थाली है। ये है जी अन्नपूर्णा भंडार, पंचकुला भवन। कुछ भी हो भाई साहब खाने का तो मतलब आनंद ही आ गया। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, घर जैसा खाना एकदम मस्त।